हेलो फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ पीटी 365 एनवायरनमेंट पार्ट। तो उसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉप 26 इंटरनेशनल कन्वेंशंस और इनिशिएटिव्स हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला लेक्चर अपलोड हो गया था एनवायरनमेंट का, और उसके बाद हेल्थ वगैरह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक 2-3 लेक्चर और हैं उसके, तो वो आपको अपलोड हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ते हैं कॉप 26 इंटरनेशनल कन्वेंशन और इनिशिएटिव में। तो कॉप 26 जो है अभी ग्लासगो में हुआ है समिट उसका, ग्लासगो जो कि होस्ट किसने किया है, यूके ने होस्ट किया है। ठीक है, तो 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, वो कहाँ पे हुई है, ग्लासगो में हुई है। तो ये क्वेश्चन किस में आ सकता है, जो हमारे स्टेट पीएससीज होते हैं उनमें क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो है यूएनएफसीसी का समिट कहाँ हुआ है, तो ग्लासगो में हुआ है। होस्ट किसने किया, यूके ने होस्ट किया, और ये कौन सी समिट थी, 26th कॉप थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था। ओके, सो सॉरी, मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात बताएं तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें 16th सेशन जो था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का CMP की मीटिंग सर्व करने वाला था, वो जो है इस कॉन्फ्रेंस में इंक्लूडेड है। और जो हमारा CMA3 था, जो पेरिस पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट, वो मीटिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो थर्ड सेशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो पेरिस एग्रीमेंट में होने वाला था वो इंक्लूडेड है इसमें। और जो मीटिंग पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल थी CMP16 जो है वो भी इंक्लूडेड है। अब COP26 जो है इसका एम क्या है कि इन्होंने अब जो पेरिस रूल बुक थी उसको फाइनलाइज कर दिया है। तो याद रखिए ये जो कॉप है 26, इसमें जो है पेरिस की जो रूल बुक है उसको फाइनलाइज की है, और उन्होंने 2019 का जो COP25 का समिट मैड्रिड में हुआ था, जहाँ पे कुछ चीज़ें एग्री नहीं हुई थी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे बिल्कुल स्टॉप, मतलब कुछ बोला नहीं गया था, तो वो सब चीज़ें अभी पेरिस रूल बुक में फाइनलाइज कर दी गई है इस रूल के अंदर। और ये जो है अंडर द रूल 16 ऑफ यूएन क्लाइमेट प्रोसेस। ये कॉन्फ्रेंस जो है सारे 197 पार्टीज जो है यूएनएफसीसी की जो भी पार्टीज़ हैं वो एग्री हुई हैं कि ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट वो साइन करेंगे। तो क्या इस पे एग्री हो गई है, ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट पे, जो कि ग्लोबल एग्रीमेंट है, जो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, उनके एक्शंस को, उनके सॉल्यूशंस को बढ़ाना है, और जो हमारा पेरिस रूल बुक है उसको कम्प्लीट करना है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसमें जो याद करने वाली है कि CMP जो हमारा कॉन्फ्रेंस है जो अभी ग्लासगो में हुआ है, तो उसमें जो है हमारी रूल बुक जो है पेरिस क्लाइमेट की उसको फाइनलाइज कर दी गई है, और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है उसमें सारे मेंबर्स जो है एग्रीड किए हैं। और जो पैक्ट का एम है वो हम देख लेते हैं, एम यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस 2030 तक लिमिट करना है, जो कि हमारा 2015 पेरिस एग्रीमेंट में हमने एग्री किया था। ठीक है, और हमारा जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको 45% घटाना है बाय 2030, और ज़ीरो करना है ओवरऑल बाय 2050। तो ग्रीन हाउस गैस ज़ीरो कब तक करना है, 2050 तक टारगेट दिया है, और 45% जो है एमिशन है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का उसको कट करना है बाय 2030। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट जो टारगेट्स हैं, हमको वो याद करने की ज़रूरत है। तो पहला है इस एम के अंदर टारगेट ये है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हमको बाय 2030 जो है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर उसको लिमिट करना है, ग्लोबल वार्मिंग, और जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है उसको रिड्यूस करना है, उसका एमिशन रिड्यूस करना है बाय 45% 2030 तक, और ज़ीरो बाय 2050 तक। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमारे इसमें रखे गए हैं। अब इंटेंडेड गोल्स क्या हैं COP26 के, वो देख लेते हैं। तो नेट ज़ीरो और 1.5 डिग्री जो कि हमने बता दिया आपको। दूसरी चीज़ है कि फाइनेंस को मोबिलाइज करना है, तो जो भी हमारे डेवलप्ड नेशन है, आपने पढ़ा होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड, तो उसमें $100 मोबिलाइज करना था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जब आया था, तो इसमें भी यही बोला है कि डेवलप्ड नेशन जो है वो $100 बिलियन जो है क्लाइमेट फाइनेंस पर ईयर जो हमारे पुअर नेशंस है क्लाइमेट चेंज से जो टैकल कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये मोबिलाइज फाइनेंस से हो गया। फिर प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड हैबिटेट्स की बात करें, तो स्टेट्स को एनकरेज किया है कि वो हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करें और उसको रीस्टोर करें, उसको बढ़ाएं, और एक रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो हमारा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट ना हो। फिर कोलैबोरेशन की बताएं, तो पार्टीज जो COP26 में हैं उनको कोलैबोरेट करना है कि पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज करें, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में जो भी रूल्स दिए थे उनको जो है सेट आउट करें। ओके, तो दीज आर द इंटेंडेड गोल्स ऑफ COP26। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ COP26। एरियाज ऑफ डिस्कशन बताएं, एरियाज ऑफ डिस्कशन, तो एम्बिशन की अगर बात बताएं तो
COP26 के एंड के बाद 153 कंट्रीज़ ने न्यू क्लाइमेट प्लान्स जो है उसको सबमिट किया है, दैट इज़ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने सबमिट किया है, जो कि हमारे एमिशंस को 2030 तक कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगे। तो कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे जो क्लाइमेट प्लेजेस हैं उसको स्ट्रेंथन करिए बाय द एंड 2022। फिर टारगेट एक्शन अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स की अगर बात करें तो इसके आउटकम्स के लिए क्या लिया है, तो पहला एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जिन्होंने एक्सप्लिसिटली टारगेट किया है कि हमको फॉसिल फ्यूल्स के अगेंस्ट एक्शन लेना है। ठीक है, तो पहला जो COP26 है जिसके अंदर, मतलब पहला ही कॉप है जिसके अंदर हमने फॉसिल फ्यूल के अगेंस्ट चीज़ें की हैं, और उन्होंने बोला है कि जो अनएबेटेड कोल है उसको फेस डाउन करना है, उसको कम करना है और फेज आउट करना है, जो भी हमारे इनएफिशियंट सब्सिडीज फॉसिल फ्यूल के लिए हम सब्सिडीज देते हैं तो उसको भी कम करना है। फिर एडाप्टेशन की बात करें तो कंट्रीज ने अर्ज किया है कि एटलीस्ट हमारा जो कलेक्टिव प्रोविजन है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए एडाप्टेशन के लिए उसको डबल करिए 2025 तक 2019 लेवल से। तो $352 मिलियन जो है वो प्लेज किया गया है UN एडाप्टेशन फंड के अंदर, जो कि हाईएस्ट सिंगल मोबिलाइजेशन फंड है हमारे पूरे क्लाइमेट चेंज के लिए। तो $352 मिलियन जो है वो प्लेज किया है UN एडाप्टेशन फंड के अंदर। अब ये फंड के पास एडवांटेज ये है कि एक्सक्लूसिवली ये जो एडाप्टेशन प्रोसेस होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनके ऊपर फोकस करेगा और 100% ग्रांट बेस्ड होगा, ये लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, मतलब ग्रांट बेस्ड होगा। लोन मतलब, लोन में क्या होता है कि जब आप लोन देते हो तो रीपे करना पड़ता है आपको, पर ग्रांट देते हो तो उसमें रीपे का ऑप्शन जो है वो नहीं रहता ज़्यादा, तो इसलिए जो है कि ग्रांट बेसिस पे ये प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आते हैं शर्मिल शेख वर्क प्रोग्राम ऑन ग्लोबल गोल ऑन एडाप्टेशन। ये अडॉप्ट किया गया है कि हमको जो वल्नरेबिलिटी है, हमारी जो रेजिलियंस है, वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना है, रेजिलियंस को बढ़ाना है कि जो भी हमारे पीपल हैं उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो कि वो फाइट कर सकें हमारे क्लाइमेट चेंज से। अब आते हैं इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अंडर Article 6। तो Article 6 जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट और नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जो है हमारे पेरिस एग्रीमेंट का वो कवर करता है। तो Article 6 जो है क्या कवर करता है, मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, जो कि फाइनलाइज किया है। अब की डिसीजंस क्या लिए गए हैं रिगार्डिंग द आर्टिकल, तो कार्बन क्रेडिट जो भी हम जनरेट किए थे अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल सिंस 2018 वो जो है पेरिस मैकेनिज्म तक कैरीड ओवर हुआ, मतलब अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो हम पेरिस एग्रीमेंट तक उसको बढ़ाए, बट उसको जो है अभी उन्होंने बोला है कि 2030 तक उसको यूज कर ही लेना है आपको, तो मतलब कार्बन क्रेडिट को यूज कर ही लेना है। अब ये सब टर्म्स हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट जो कि 320 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो है हमको वो करना है। अब 5% जो प्रोसीड है हमारे ट्रेडिशनल मार्केट मैकेनिज्म में उसको मैंडेटली हमको फंडिंग अडाप्टेशन जो है उसके लिए हमको फंडिंग प्रोवाइड करनी है। अब कंट्रीब्यूशन फंड्स टूवर्ड अडाप्टेशन अंडर बायलेटरल ट्रेडिंग ऑफ क्रेडिट्स, मतलब आप क्रेडिट्स अगर ट्रेड कर रहे हो तो वो आपको कंट्रीब्यूट करना है फंड्स अडाप्टेशन के लिए, ये जो है वॉलंटरी है, बट 5% जो प्रोसीड है आपका ट्रेडिशनल मार्केट मैकेनिज्म से वो मैंडेटली आपको एडाप्टेशन के लिए जाना चाहिए। अब डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है इन विच मोर देन वन कंट्री कुड क्लेम द सेम एमिशन रिडक्शन एज काउंटिंग टुवर्ड्स अ वन क्लाइमेट कमिटमेंट। अब एक्सक्लूजन ऑफ द यूज ऑफ क्रेडिट जनरेटेड हिस्टोरिकली, अगर आपने हिस्टोरिकली कुछ क्रेडिट जनरेट किया है तो उसको आप एक्सक्लूड करेंगे बिटवीन 2015 to 2001 फॉर रिडक्शन रेड प्लस के लिए, जो कि UN की स्कीम है नोन एज रेड प्लस। ओके, तो ये हो गया इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अंडर Article 6। फिर आते हैं लॉस एंड डैमेज के लिए, तो ग्लासगो डायलॉग जो है वो क्रिएट किया गया है कि वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे हमारे लॉस और डैमेज के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन्होंने प्लेज किया है कि वो सेंटियागो जो नेटवर्क है हमारा उसको सपोर्ट करेंगे, जो कि एक वेबसाइट है UNFCCC की, जो सारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक्स हो गए उन सबको एक साथ कनेक्ट करती है कि वो लॉस और डैमेज के लिए जो है फंडिंग प्रोवाइड करें। फिर सेंटियागो नेटवर्क समझ में आ गया। फिर आते हैं रूल्स ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड सपोर्ट, तो सारी कंट्रीज़ ने एग्री किया है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगी कि वो कितना एमिशंस कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है उनके पास, क्या कैपेसिटी है, तो वो सारी चीज़ें जो है कंट्रीज शेयर करेंगी। फिर कॉमन टाइम फ्रेमवर्क की बात करें तो कंट्रीज़ को एनकरेज किया गया है कि वो कॉमन टाइम फ्रेमवर्क बनाए जो भी नेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट है उनकी उनके लिए, और इसका मतलब यही है कि जो न्यू NDC टारगेट है जिन्होंने कंट्रीज़ ने बनाया है कि 2025 तक वो न्यू NDC टारगेट, उसकी एंड डेट जो है 2035 होनी चाहिए, और इन 2030 अपने उनको जो कमिटमेंट्स हैं उनको बाहर ला के रखना पड़ेगा विद 2040 एंड डेट एंड सो ऑन। तो इस तरह जो है अपनी जो डेडलाइन है उसको वो बनाना पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी कुछ जो की आउटकम्स हैं हमारे COP26 की। अब हम व्हाट आर द ग्लॉसरी, मतलब जो चीज़ें हैं, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उनको जान लेते हैं।
लॉस और डैमेज की अगर बात करें तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब इट रिफर्स टू इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट कैन नॉट बी अडॉप्टेड टू एंड वेयर लॉसेज आर परमानेंट, ठीक है। तो वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट जिसके जो जिसको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो लॉसेज जो हमारे परमानेंट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं लॉस एंड डैमेज। ये बहुत ही स्लो और ऑनसेट प्रोसेस होता है, जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं, फ्लड्स हो गए, हरिकेन्स हो गए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तो कुछ कुछ लॉसेज जो है वो परमानेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये हो गया हमारा लॉस एंड डैमेज। फिर मार्केट एंड नॉन मार्केट वेस्ट मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6 की बात करें तो इसमें तीन सेपरेट मैकेनिज्म है जो कि वॉलेंट्री कॉपरेशन, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के बीच, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के बीच वॉलेंट्री कॉपरेशन बनाते हैं, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप वॉलेंट्री जो है एक दूसरे के साथ, मन हो तो आ सकते हैं, मन हो तो नहीं आ सकते, टुवर्ड्स अ क्लाइमेट गोल्स विथ एन ओवर रीचिंग एम कि हमारे एम्बिशंस को रेज करना है। अब दो मैकेनिज्म है इसके अंदर, दो मैकेनिज्म जो बेस्ड है वो मार्केट पे बेस्ड है और थर्ड जो मैकेनिज्म है वो नॉन मार्केट अप्रोच पे बेस्ड है। अब आर्टिकल 6.2 की बात करें तो वो बायलेटरल कोऑपरेशन लाता है, किसके थ्रू, इंटरनेशनली ट्रेडेड मिटिगेशन आउटकम्स के थ्रू। तो ITMO के थ्रू जो है ये बायलेटरल कोऑपरेशन बनाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पे एमिशन कट्स जो है, आप जितना भी CO2 आप बाहर हो रहा है, मतलब जितना भी CO2 आपका बाहर एमिट हो रहा है उतना ही आपको एमिशन कट करना है और उसके टर्म्स में वो मेजर किया जाएगा और किलोवाट आवर्स ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ये कंट्रीज, ये इट कुड सी कंट्रीज, तो अपना कंट्रीज को क्या करना है, जो भी उनके एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स हैं उनको लिंक करना है फॉर एग्जांपल, और बाइंग ऑफसेट टुवर्ड्स देयर नेशनल क्लाइमेट गोल्स। तो जो भी वो फॉर एग्जांपल जो भी CO2 जितना भी वो एमिशन कट कर रहे हैं तो मतलब उनका CO2 जो है वो कम होगा, तो उसके कारण जो है ये सब चीज़ें मेजर करेंगे। अब आर्टिकल 6.4 की बात करें तो ये जो है एक न्यू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट क्रिएट करने की बात करता है, जो भी हमारे एमिशंस कट हैं उनको ट्रेड करने के लिए, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है किसी भी सेक्टर में, किसी भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म भी बोलते हैं, जिनको SDM बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल किसी ने इतना एमिशन बढ़ा दिया, मतलब किसी ने कुछ चीज़ ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2 जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके कारण क्या हुआ, अगर CO2 बढ़ गया तो दूसरी कंट्रीज़ को, उन्होंने जिनका डेफिसिट है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा एमिशन नहीं किया है, तो वो एक दूसरे में ट्रेड कर पाए, तो वो होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब आर्टिकल 6.8 की बात करें, ये एक फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफर करता है कि कंट्रीज जो है आप कॉपरेट करें बिटवीन द कंट्रीज, जहाँ पे कोई भी ट्रेड इन्वॉल्व ना हो बट डेवलपमेंट एड हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेड इन्वॉल्व नहीं है, अब डेवलपमेंट एड प्रोवाइड करें कि किसी भी कंट्री को जो भी डेवलप नहीं हुई है उतनी ज़्यादा, जो अपने एमिशन कट कर रही है, तो उसको कुछ ना कुछ आप डेवलपमेंट एड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो जो है सारी चीज़ें कर पा रही है। तो ये हो गए हमारे मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी, जब हमारा रियो समिट हुआ था, ठीक है, रियो अर्थ समिट 1992 में हुआ था, तब आई थी और इसको फोर्स में लाया गया था 1994 में, और इसको रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं क्योंकि ये वन ऑफ जो तीन ट्रीटी वहां पे फाइनलाइज हुई थी उसमें से एक ट्रीटी थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब रियो कन्वेंशन जो था वो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट और डेवलपमेंट का पार्ट था, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट भी उसको बोला जाता है, और रियो डी जेनेरियो समिट जो कि ब्राजील में हुआ था 1992 में। अब ये जो है सिस्टर है रियो कन्वेंशन का, तो UNCVD और UNCCD जो है, और ये UNFCC जो है, ये तीनों जो है कन्वेंशन रियो समिट में आए थे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो UNCED आया था, यो रियो समिट हुआ था, ठीक है, रियो समिट हुआ था जिसके अंदर तीन कन्वेंशन जो है आपके आए थे, तो UNFCC आया था, फिर UNCBD आई थी और UNCCD आई थी, ठीक है, तो कॉम्बैक डेजर्टिफिकेशन और ये, तो ये तीन जो है वो एक साथ आया था रियो समिट में। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारा ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन CO2 मीथेन वगैरह बढ़ रहा है, उसके कंसंट्रेशन को हमको स्टेबलाइज करना है, उसको कम करना है, और ये बढ़ क्यों रहा है, जो भी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं इंटरफेरेंस होने के कारण कि प्लांट्स कट कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लाइफ स्टॉक वगैरह में जो भी आप चीज़ें खिला रहे हो तो उसके कारण भी मीथेन बढ़ रहा है, तो उन सब
चीज़ों को कम करना है विद इन द क्लाइमेट सिस्टम, और हमको ये स्टेबल करना है कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा थ्रेटन ना हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सस्टेनेबल मैनर में हो पाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसके। अब लोकेशन अगर बताएं UNFCCC सेक्रेटेरिएट की, तो वो बॉन जर्मनी में है। तो याद कर लीजिए UNFCCC का सेक्रेटेरिएट बॉन जर्मनी में है। ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है और असिस्ट करता है कि आप जो क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेशन है उसको रिव्यू कर सके, उसको एनालाइज कर सके, जो भी पार्टीज रिपोर्ट करती हैं, और इम्प्लीमेंट कर सके हमारा क्योटो मैकेनिज्म। अब UNFCCC जो है वो पार्ट है, UNFCCC सेक्रेटेरिएट जो है वो पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, और ये मेंटेन करते हैं रजिस्ट्री नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो भी हर कंट्री NDC टारगेट अपना वो करती है, जो कि इंडिया का मैंने बताया था कि तीन टारगेट NDC क्या है इंडिया के, तो वो तीन टारगेट जो है इंडिया जैसे अपना रजिस्टर मेंटेन करती है, तो ये जो UNFCCC है वो सारे कंट्रीज के NDC टारगेट को मेंटेन करती है जो कि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट में लिया था। अब मेंबर कंट्रीज की बताएं तो 197 कंट्रीज जो है इसको रेटिफाई की है कन्वेंशन को, और इंडिया जो है इसका पार्टी है, तो इंडिया जो है इसका मेंबर है। अदर की इन्फॉर्मेशन की बात बताएं तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जो है वो की एग्रीमेंट है इसके अंदर कन्वेंशन के, क्योंकि वो दोनों जो है बहुत ब्रॉड एग्रीमेंट थे जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है लाई गई थी। अब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म अगर बात करें UNFCCC की, तो सबसे पहली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो जो कि मैंने बताया कि 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग जो है ग्लासगो में हुई है। तो ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, यही सारे डिसीजन लेती है हर चीज़ के लिए। सारे स्टेट जो इसके पार्टीज़ हैं, मतलब कन्वेंशन के पार्टीज़ हैं, वो कॉप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये हर साल मीट करती है अंडर पेरिस पार्टीज़, जिसमें पार्टीज़ जो है मतलब ये हर साल मीट करती हैं, वरना जो है पार्टीज़ मिलके डिसाइड कर सकती हैं। फिर आते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल, दैट इज CMP। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो है वो कहीं ना कहीं CMP में, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में जो पार्टीज हैं उसको सर्विंग वो करती हैं। तो ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन जो है क्योटो प्रोटोकॉल का, और डिसीजन जो है हमारे क्योटो प्रोटोकॉल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो ये जारी जो है इसमें लिया जाता है। सारी स्टेट्स जो भी पार्टी है हमारी क्योटो प्रोटोकॉल की, मतलब सारी कंट्रीज जो भी पार्टीज है हमारी क्योटो प्रोटोकॉल की, वो रिप्रेजेंट होती हैं हमारे CMP में, किसमें, पार्टीज टू क्योटो प्रोटोकॉल में। वाइल स्टेट्स जो हैं, जो कि पार्टीज नहीं है, जो कि हमारे UNFCCC के पार्टीज नहीं है, वो पार्टिसिपेट एज एन ऑब्जर्वर करते हैं। ओके, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, एज अ ऑब्जर्वर। अब आते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज अ मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू पेरिस एग्रीमेंट, तो CMA भी मैंने बताया कि CMA भी हुआ है इस बार। तो ओवरसीज ये क्या करते हैं, जो हमारे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिसीजंस वगैरह लेते हैं। अब सारे स्टेट जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के पार्ट है, सारी पार्टीज जो है, कंट्रीज जो है हमारी पार्टीज है, वो पेरिस एग्रीमेंट का अगर पार्ट है तो वो CMA में रिप्रेजेंट होती है, वाइल स्टेट जो पार्ट नहीं है वो एज अ ऑब्जर्वर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गई हमारी CMP, CMA एंड COP। Now let's come to what are the pledges and declaration agenda released at COP26, और इंडिया ने क्या साइन किया है और इंडिया ने क्या नहीं साइन किया है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है ब्रेक थ्रू एजेंडा, तो ये जो है कंट्रीज को कमिट करते हैं कि सारी कंट्रीज जो है एक साथ मिलकर वर्क करें कि हमको क्लीन टेक्नोलॉजी जो है और मोर अफोर्डेबल और मोर सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है हमारे एमिटिंग सेक्टर्स जो है, हमारे जो बहुत ज़्यादा एमिशन ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं, तो उन सेक्टर्स के लिए क्लीन टेक्नोलॉजी मोस्ट अफोर्डेबल एसेसिबल और अट्रैक्टिव ऑप्शन जो है, सस्टेनेबल ऑप्शन जो है लाने हैं, जैसे कि बिफोर ग्लोबली बिफोर 2030। तो इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है, तो याद कर लीजिएगा ब्रेक थ्रू एजेंडा जो भी COP26 के अंदर आया तो उसका जो है इंडिया सिग्नेटरी है। फिर आते हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज की बात करें, ये एक वॉलेंट्री नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, वॉलेंट्री मतलब अपने मन से, ये नॉन बाइंडिंग है मतलब किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, अंडर विच सिग्नेटरीज कंट्रीज जो है उनको जो है अपना मीथेन एमिशन जो है CH4 का एमिशन जो है वो कट करना है बाई एटलीस्ट 30% बाई 2030, तो मतलब 30% कम करना है। बट इंडिया जो है इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया का जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया जो है लार्जली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो इसलिए इंडिया जो है ज़्यादा ये कट नहीं कर सकती अपना मीथेन एमिशन। अगर वो मीथेन एमिशन कट करेगी तो बहुत सारी चीज़ें कट हो जाएंगी, तो इसलिए जो है ये ग्लोबल मीथेन प्लेज जो है लाया गया है। फिर ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज की बात करें, ये एक वॉलेंट्री डिक्लेरेशन है जो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर साइन किया है कि वो कलेक्टिवली वर्क करेंगे और जो हमारा फॉरेस्ट लॉस है उसको रिवर्स करेंगे और लैंड डिग्रेडेशन है 2030 तक उसको भी रिवर्स करेंगे वाइल डिलीवरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एंड इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका भी इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, तो ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज इंडिया ने साइन नहीं किया है। वेट अ सेकेंड,
सो ग्लासगो लीडर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज जो मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है. अब आते हैं फॉरेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेड स्टेटमेंट, दैट इज फैक्ट, जो COP26 के अंदर लाया गया, और ये किस कौन लेकर आया, UK और इंडोनेशिया लेकर आए. इसका एम यही है कि जो हमारी कमोडिटी प्रोड्यूस होती है बिटवीन द कंट्रीज, जो भी हमारी कमोडिटी प्रोड्यूस की जाती है किसी एक कंट्री में और दूसरी कंट्री में अगर कंज्यूम करी जाती है, तो उसका जो ट्रेड है वो सस्टेनेबल हो, दोनों के बीच में सस्टेनेबल ट्रेड होना चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ये फैक्ट स्टेटमेंट लॉन्च किया गया है. तो फैक्ट लॉन्च किसने किया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूके और इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है, और ये जो है इंडिया ने साइन नहीं किया, तो इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है. फिर आते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा फॉर द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ग्लोबल एक्शन एजेंडा फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर. तो ये सिग्नेटरीज जो हैं इसमें एग्री हुए हैं कि जो भी हमारे नेचर है और हमारी फार्मिंग है, हम उसको सस्टेनेबल बनाएं और हम नेचर को प्रोटेक्ट करें. तो जो बेटर इन्वेस्टमेंट है, अर्जेंट एक्शन हम ले सकते हैं अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए और सस्टेनेबल वे ऑफ फार्मिंग की तरफ मूव करने के लिए, तो उसके लिए सिग्नेटरीज ने एग्री किया है. सस्टेनेबल वे ऑफ फार्मिंग मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जीरो टिलेज हो गई, वर्टिकल फार्मिंग हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो मैंने आपको बताया था, तो ये सब की तरह हमको शिफ्ट करना है. तो पॉलिसी एक्शन एजेंडा जो है वो कुछ पाथवेज रखते हैं और एक्शन रखते हैं कि कंट्री जो है वो जो पब्लिक पॉलिसी है उसको रीपर्पस करें कि वो सस्टेनेबल वे में वो पॉलिसीज बनाए कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी सपोर्ट मिले, और फूड और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है कि वो जो है आउटकम डिलीवर कर पाए. अब ग्लोबल एक्शन एजेंडा जो है वो सपोर्ट कौन करेंगे, वर्ल्ड बैंक हो गया, WWF हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, UN फाउंडेशन हो गया, कोलंबिया क्लाइमेट स्कूल हो गया, तो ये सब जो है इसको फंड करेंगे और इसको सपोर्ट करेंगे, तो इसका भी जो है इंडिया सिग्नेटरी नहीं है. फिर आते डिक्लेरेशन ऑन एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो एमिशन कार्स एंड वैंस. तो ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के बीच, ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरर्स है, उनके बीच में. इसका एम यही है कि जो भी हमारी न्यू सेल्स हो रही है कार की और वैंस की, वो जीरो एमिशन करें बाय 2040 तक, तो इसका जो एम यही है, एंड बाय नो लेटर देन 2035 इन लीडिंग मार्केट. ठीक है, तो 2040 तक जो भी हम कार्स और वैंस सेल कर रहे हैं तो वो जो है उनसे जो एमिशन है वो ग्लोबली जीरो हो जाए 2040 तक, तो इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी है और ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है. फिर आते हैं बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलाइंस बोगा जो है, ये किसने लॉन्च किया है, डेनमार्क एंड कोस्टारिका ने लॉन्च किया है. तो याद कर लीजिए ये कौन सी गवर्नमेंट ने लेकर आई है, डेनमार्क और कोस्टारिका ने मिलकर ले आई है. ये एक इंटरनेशनल अलाइंस है जो हमारी गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाएगी, जो हमारा ऑयल और गैस प्रोडक्शन है उसको फेज आउट रिडक्शन करें, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअल रिडक्शन हम उसको मैनेज करें, या ऑयल और गैस जो प्रोडक्शन है उसको धीरे धीरे हम फेज आउट करें. तो एम इसका यही है कि जो इशू है हमारा ऑयल और गैस प्रोडक्शन के कारण, हमारे बहुत सारी क्लाइमेट जो डिसरप्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहा है, तो उसके लिए हमको एक एक्शन मोबिलाइज करना है, कमिटमेंट ले आना है जो भी हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है कि वो जो इस इशू के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें देखेंगे. तो इसका जो है इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, बिकॉज इंडिया को बहुत ज़्यादा ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, क्योंकि इंडिया जो है पूरी तरह ऑयल को इम्पोर्ट करती है, तो इसलिए जो है इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है. फिर क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, ये एक कोएलिशन है 22 कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पे आपको जीरो एमिशन जो है शिपिंग जो ट्रेड होता है, जब आप शिप से कोई ट्रेड होता है, शिप से जो भी चीज़ें ले जाते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, तो उनसे जो हमारा पॉल्यूशन फैलता है कहाँ पे, हमारे जो रिवर्स हैं, हमारे जो पूरे सीज है वहाँ पे जो पोल्यूशन फैलता है, तो उसके लिए उनसे हमारा जो एमिशन है वो कम हो, तो इसलिए जो है ये कोएलिशन क्रिएट किया गया है कि डिकार्बनाइज करना है हमको हमारी ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री. अब इसके सिग्नेटरीज ने क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स जो है वो COP26 में साइन किया, और उन्होंने एग्री किया कि 6 ग्रीन कॉरिडोर्स वो बनाएंगे बाई 2025. तो 6 ग्रीन कॉरिडोर्स बनाएंगे 2025 तक. अब ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है कि ग्रीन कॉरिडोर को इस तरह डिफाइन किया कि शिपिंग रूट किसी दो मेजर पोर्ट के बीच में जो भी शिपिंग रूट होते हैं वो
जो एमिशन है सिप से होता है वो जीरो एमिट हो, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है वो कम एमिट हो, मतलब हो ही ना। और ये एक्सेलरेट की कैसे किया जाएगा, प्राइवेट और पब्लिक एक्शन के थ्रू एक्सेलरेट किया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो हमारी शिपिंग सेक्टर से होता है, पहला है ऑयल स्पिल्स। तो जो भी हम फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी ऑयल ले जा रहे हैं शिपिंग से, हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, ऑयल अगर शिप नहीं अच्छी होती है, शिप में कोई खराबी होती है, तो ऑयल जो है लीकेज हो जाता है, जो हमारे पूरे पानी में फैल जाता है, तो वो ऊपर की एक लेयर बना देता है और ऑयल और जो वाटर है वो पूरी तरह मिक्स नहीं होते, एक लेयर बनती है, तो उसके कारण जो है बहुत सारे हजार्डियस केमिकल भी फैलते हैं। दूसरा है साउंड पोल्यूशन, क्योंकि शिपिंग शिप जब स्टार्ट होती है तो आपको याद होगा कि बहुत, अगर आपने बैठा है, आप कभी बैठे हैं या जो भी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, जिसके कारण नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और उसके कारण जो हमारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे रहते हैं सीज में, उनको डिसरप्शन होता है। अब बालस्ट वाटर डिस्चार्ज रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज इन द ओशियन, तो इसके कारण जो है इन्वेजिव स्पीशीज जो है वो भी बढ़ जाती है हमारे ओशियंस में। ओके, सो दिस इज़ द क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, इसका भी इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। फिर आते हैं, इंडिया ने पंचमित्रा नाम का एक वो क्लाइमेट एक्शन प्लान बताया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इंडियन क्लाइमेट एक्शन प्लान पंचमित्रा रखा एट 26th यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस COP26 पे ग्लासगो में। अब पंचमित्रा है क्या, तो इंडिया का क्लाइमेट कमिटमेंट है COP26 में, उनको क्या करना है, जो नेट जीरो है वो 2070 तक अचीव करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करके 500 गीगावाट तक करनी है बाई 2030, 50% जो भी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उनको रिन्यूएबल एनर्जी से लेना है बाई 2030, रिड्यूस करना है जितना भी कार्बन एमिशन होता है 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टिल 2030, और रिड्यूस करना है हमारी कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45% बाय 2030। तो दीज आर द टारगेट अंडर द पंचमित्रा जो इंडिया ने रखा है, तो ये टारगेट आपको रिमेंबर होना चाहिए, जैसे एनडीसी के 3 टारगेट आपको रिमेंबर है, वैसे ये भी टारगेट रिमेंबर होने कि नेट जीरो हमको 2070 तक करना है, इन जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स है एनर्जी कैपेसिटी उसको इंक्रीज करके 500 मेगावाट तक करना है 2030 तक, बाकी सब 2030 तक है, सिर्फ एक ही चीज़ है नेट जीरो जो हमको 2070 तक करना है, और 500 गीगावाट जो है हमको नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ानी है, 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमको रिन्यूएबल एनर्जी से लेनी है, तो 50 याद रखें 50% जो है, रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन जो है 1 बिलियन टन्स तक, और हमारा जो कार्बन इंटेंसिटी उसको 45% से कम करना है बाई 2030। तो दीज आर द टारगेट्स बाई इंडिया जो इंडिया दिए हैं। ओके, सो दीज आर द इनिशिएटिव। तो इंडिया ने सिर्फ 2 चीजें मतलब ज्वाइन की है, पहला है कि डिक्लेरेशन ऑन एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टू 100% जीरो एमिशन कार्स एंड वैंस, दूसरा है कि ब्रेक थ्रू एजेंडा जो है वो दोनों इंडिया ने अब साइन किया है, बाकी सब इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ COP26। नाउ लेट्स कम टू मेजर इनिशिएटिव जो हमारे COP26 के टाइम पे लॉन्च किए गए हैं, तो ग्लोबल रिजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव। तो ये क्या है, 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मिलके। तो ग्लोबल रिजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव किसके अंदर लॉन्च हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए COP26 के टाइम पे लॉन्च हुआ है, और ये 10 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने लॉन्च किया है। अब पार्टनर्स इसके कौन कौन से हैं, तो इंश्योरेंस डेवलपमेंट फोरम, कोएलिशन फॉर क्लाइमेट रिजिलियंट इन्वेस्टमेंट, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, GEM फाउंडेशन, UK सेंटर फॉर ग्रीनिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ ग्लोबल रिजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव। तो याद करिए रिजिलियंस से आप याद करिए कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई चीज हो सकती है, तो CDRI जो है वो भी इसका पार्टनर है। अब इसके गोल क्या है कि ऑब्वियसली जो हमारा डेटा है, जो भी हमारे डेटा पब्लिश होते हैं उसको ओपन करना है और बिल्ड करना है इंश्योरेंस रिस्क और मॉडलिंग प्रिंसिपल्स, प्रोवाइड करना है शेयर और स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ जो कि एप्लीकेबल होंगी वाइड रेंज यूजर्स के लिए, अगर क्लाइमेट चेंज से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए जो है ये यूजेबल होगा। अब जो है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछली बार, और इंडिया जो है इसका मेन पार्ट है, तो आपको याद होना चाहिए। तो कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने लॉन्च किया है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट जब न्यूयॉर्क में हुआ था 2019 में, तब उन्होंने लॉन्च किया था। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में इंडिया ने CDRI लॉन्च किया है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको न्यू बनाना है
हैं और उसको क्लाइमेट से वो क्लाइमेट का जो थ्रेट है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सके, तो ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और डिज़ास्टर जो भी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। अब मेंबरशिप अगर बताएं तो नेशनल गवर्नमेंट, यूएन की एजेंसीज, प्रोग्राम्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल मैकेनिज्म, प्राइवेट सेक्टर, नॉलेज इंस्टीट्यूशन, सारे जो है इसके मेंबर हो सकते हैं और इंडिया जो है इसका मेंबर है। तो CDRI का इंडिया जो है मेंबर है, क्योंकि इंडिया ने ही लॉन्च किया तो ऑब्वियसली इंडिया मेंबर होगा। तो इंडिया ने कब लॉन्च किया, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट में। अब क्या क्या कौन कौन से मेंबर है, जैसे कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गए, पेरू, चिली, ब्राज़ील, फिर यहाँ से की कुछ जमैका और हैती, नीदरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, तो ये सब जो है मेंबर्स हैं हमारे CDRI के। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट ज़ीरो। तो ये भी ग्लासगो समिट COP26 का हुआ था, उसमें लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किसने किया है, यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस ने लॉन्च किया है, अलॉन्ग विथ UNFCCC क्लाइमेट एक्शन चैंपियन और COP26 की प्रेसिडेंसी जो है उन्होंने। अब ये क्या है, ओरिजिनली 2021 में लाई गई थी एज अ फोरम ऑफ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी ये बहुत ज़्यादा, जो एक्सेलरेट करेगी नेट ज़ीरो ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब हमारा एमिशंस जो है उसको नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ाने में हेल्प करेगी कि वो नेट ज़ीरो हो पाए, एमिशंस जो है धीरे धीरे कम हो पाए। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी को फुलफिल करेगी, जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट में लिया गया था। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि नेट ज़ीरो जो है, नेट ज़ीरो एमिशन करना है बाय 2050 तक। इंडिया का टारगेट क्या है, 2070 तक, और इन्होंने इसमें बोला है कि नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050 तक करना है। अब टारगेट जो है वो किस लाइन पे बेस्ड है, रेस टू ज़ीरो कैंपेन जो है यूएन का, उस पे बेस्ड है, जहाँ पे सारे नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जैसे कि कंपनीज हो गई, सिटीज़ हो गई, रीजन्स हो गए, फाइनेंशियल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, वो कुछ इमीडिएट एक्शन लेंगे ग्लोबल एमिशन को कम करने के लिए बाय 2030। अब मेंबर जो है इसके ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट ज़ीरो के, ये नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस है, नेट ज़ीरो एसेट मैनेजर्स इनिशिएटिव है, नेट ज़ीरो एसेट ऑनर्स अलायंस है, ये सब जो है इसके मेंबर है। अब नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस क्या है, नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है होस्ट करते हैं, जो कि न्यूएस्ट नेट ज़ीरो अलायंस है। तो नेट ज़ीरो बैंकिंग अलायंस क्या है, UNEPFI में आता है और ये न्यूएस्ट नेट ज़ीरो अलायंस है। और फिर अदर नेट ज़ीरो अलायंसेज भी हैं, जैसे कि नेट ज़ीरो एसेट्स मैनेजर इनिशिएटिव, UN कन्वीन्ड नेट ज़ीरो एसेट्स ऑनर अलायंस, तो ये सब जो है ये इसमें आते हैं। तो ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट ज़ीरो, अर्लियर अगर बात करें 2019 में, तो UN जनरल असेंबली ने कुछ प्रिंसिपल्स लॉन्च किए थे, खुद के प्रिंसिपल्स लॉन्च किए थे रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग के लिए, जहाँ पे बैंक्स जो है एग्री किए थे कि वो जो है उन्हीं तरफ फंड ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ा रहे हैं और उन्हीं बिजनेस स्टैंडर्ड स्ट्रेटजीज को फुलफिल, मतलब लोन वगैरह जो उन्हीं क्लाइंट्स के साथ वर्क करेंगे। ओके, सो पहले ये था, अब जो है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस जो है वो भी लॉन्च किया गया है। फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट, तो ये जो है ये भी एक ग्लासगो समिट में लाया गया, जो कि इंडिया लेकर आए हैं। याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स जो है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिजी, जमाकिया जो है, ये सब कंट्रीज जो है मिलके ले आए हैं। ये जो है क्रिएट किसने किया है, बाय द कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन लोगों ने मिलके क्रिएट किया है, मतलब ये को क्रिएटेड बाय कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब CDRI विद द सपोर्ट ऑफ बहुत सारी मेंबर कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं उनके हेल्प से, और ये एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव है, जो कि हमारे बहुत सारे इशूज़ होते हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और प्रमोट करेंगे डिज़ास्टर और क्लाइमेट रिजिलिएंट, जो भी हमारे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो भी बहुत छोटे छोटे स्टेट्स हैं, डेवलप हो रहे हैं और आइलैंड नेशंस हैं, तो उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स प्रोवाइड करेंगे एंड जो है लेटेस्ट नॉलेज उनके साथ शेयर करेंगे। व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द समोआ पाथवे क्या है, सिट्स एक्सेलरेटेड मोडालिटीज फॉर एक्शन, मतलब जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, एक्सेलरेटेड मोडालिटीज़ फॉर एक्शन, तो IRIS जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट जो है वो टारगेट करेगा कि तीन जो आउटकम्स हैं वो डिलीवर करना है। तो पहली बात तो SIDS के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी इफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए रिजिलियंस प्रोवाइड करना है, स्ट्रेंथन करना है उनकी नॉलेज और उनकी पार्टनरशिप जो कि इंटीग्रेट कर सके उनको, और जेंडर इक्वालिटी और डिसेबिलिटी जो है
हैं उसको मतलब जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है और डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड करना है थ्रू रिजाइलेंट SIDS इंफ्रास्ट्रक्चर। अब SIDS जो है वो कंट्रीज है जैसे कि हो गई कैरेबियन, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन, साउथ चाइना सी रीजन्स में जो भी कंट्रीज आती हैं वो, और वो जो है मोस्ट वल्नरेबल होती हैं जियो फिजिकल और हाइड्रोमेटोलॉजिकल हजार से। तो जियो फिजिकल मतलब जैसे सुनामी आ गया, साइक्लोन्स आ गया, तो उनके कारण जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती, तो वो कंट्रीज जो है इसके अंदर आती हैं। अब SIDS की अगर बात करें तो ये 2/3 जो है कंट्रीज इसकी सफ़र करती हैं डिज़ास्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। तो ये जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जमैकिया, फिजी, UK ने मिलकर लॉन्च किया और इंडिया जो है इसका मेंबर है। ओके, फिर आते हैं ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। तो ये मैंने पिछली बार आपको PT 365 जो अपडेटेड मटेरियल आया था एनवायरमेंट पार्ट का, तो उसमें मैंने उस वॉक ये पढ़ाया था इनिशिएटिव। तो ये एक मल्टी लेयर डायलॉग है जो भी हमारी उस वॉक कंट्री है वन सन मतलब बिटवीन द जो भी इंडिया और उनके पार्टनरशिप COP 26 की जो भी कंट्रीज हैं उनके बीच में है और जो भी इंटरनेशनल सोलर लाइन्स उन्होंने ज्वाइन किया है, वर्ल्ड बैंक, UK गवर्नमेंट और विल्टन पार्क। अब उस वॉक क्या है, एक इंडिया का इनिशिएटिव है जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको इंटरकनेक्टेड मतलब जो भी कंट्रीज के पास रिसोर्सेज हैं उन सबको एक साथ मिला के इंटरकनेक्ट करेगा एक ग्रिड में, सो दैट एक कॉमन ग्रिड में करेगा पूरी 140 कंट्रीज को एक साथ जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, ताकि वो एक दूसरे से जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी टेक्नोलॉजी नॉलेज की प्रॉब्लम है, नॉलेज वाली चीज़ें हैं, वो शेयर कर सके। और ये एक प्रोग्राम है तो ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप को ऑब्वियसली डिप्लॉय करने की बात की गई है, एक्सेलरेट करने की बात की गई है। अब विजन इसका यही है कि सन नेवर सेट्स एंड इज कांस्टेंट एट सम ज्योग्राफिकल लोकेशन ग्लोबली एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम पे सन कभी सेट नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। इम्प्लीमेंटेशन जो है ये तीन मेन फेज में डिवाइडेड है। पहला फेज वन है कि हमको इंटरकनेक्टिविटी बनानी है एशियन कॉन्टिनेंट में, फिर उसके बाद जो फर्स्ट फेज है उसको पूल करना है ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अफ्रीका, और एम है कि जो फेज थ्री है उसका एम है कि ग्लोबल इंटरकनेक्शन बैठाना है। अब सिग्निफिकेंस यही है कि सारे पार्टिसिपेटिंग जो बॉडीज हैं हमारी उनको अट्रैक्ट करना है, उनको असिस्ट करना है कि वो इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में, और ग्लोबल कोलैबोरेशन जो है उसको बढ़ाना है थ्रू इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो उस वॉग एग्रीमेंट जो है इंडिया जो है इसका मेंबर है और इंडिया ही लेकर आया है। फिर आते कुछ अदर इनिशिएटिव्स, तो ई अमृत पोर्टल जो है ये इंडिया ने ही लॉन्च किया है एट COP 26। ये एक वेब पोर्टल है जो कि फंक्शन करेगा कि जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एक जगह मिल पाए, तो सारी इन्फॉर्मेशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो पोर्टल जो है ये डेवलप और होस्ट कौन करेंगे, नीति आयोग करेंगे अंडर कोलाबरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम विथ UK गवर्नमेंट के साथ मिलके। फिर आते COP 26 चार्टर फॉर एक्शन, तो ये जो है किसने लॉन्च किया है, तेरी ने लॉन्च किया है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अहेड ऑफ ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो जैसे ही ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने लगा था उससे पहले ही तेरी ने ये लॉन्च कर दिया था। ये जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, की थीम्स मतलब जो भी हमारे की इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पे जो भी चैलेंजेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं और उनसे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन हैं वो बताएंगे, सच एज इक्विटी हो गया, ग्रीन फाइनेंस हो गया, अडाप्टेशन एंड रेजिलियंस हो गया, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन हो गए, एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री। फिर आते हैं ग्लोबल लैंडस्केप फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस 2021। ये इवेंट जो है वो को ऑर्गेनाइज किया है TMG थिंक टैंक फॉर सस्टेनेबिलिटी, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और कुछ लोगों ने और मिलके ये हाईलाइट करते हैं कि जो हमारे डेजर्ट लोकस्ट है, आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे जब हमारा लॉकडाउन था तो उस टाइम लोकस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हुआ था, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, एक टाइप का बर्ड, एक टाइप का कुछ चिंपैंजी टाइप मतलब कुछ वैसा टाइप का होता है, कॉकरोच टाइप का, बट वो बड़ा होता है, बर्ड के फॉर्म में होता है, और वो जो है पूरे एग्रीकल्चर में अटैक किया था। और लोकस्ट अटैक मैंने आपको पढ़ाया कि फाओ ने कुछ एरियाज को बोला था कि ये तीन हॉटस्पॉट एरिया हैं लोकस्ट अटैक के, तो वो मैंने पढ़ाया था कि डेजर्ट लोकस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा वो होते हैं, तो लोकस्ट अगर इसमें होगा तो मैं पढ़ाऊंगी ही, वरना आप जाके प्लीज़ PT 365 को जो अपडेटेड एनवायरमेंट वाला पार्ट आया था उसमें मैंने पढ़ाया है। तो लोकस्ट जो है हम इन्होंने हाईलाइट किया कि इन्फेस्टेशन ऑफ डेजर्ट लोकस्ट वाज क्लोजली लिंक्ड टू द क्लाइमेट चेंज। तो उन्होंने यही बोला है कि जो हमारा डेजर्ट लोकस्ट का अटैक होता है वो क्लाइमेट चेंज से ही रिलेटेड है। अब TMG कॉल फॉर पैराडाइम शिफ्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मेजर्स, उन्होंने बोला है कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको बनाना है, फिर काउंट करना है कि एनवायरमेंट और ह्यूमन कॉस्ट कैसे हो रहा है थ्रू टू कॉस्ट अकाउंटिंग, और डेवलप करना है एक एफिशिएंट गवर्नेंस मॉडल। तो ये हो गया हमारा
ग्लोबल लैंडस्केप फोरम क्लाइमेट हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस 2021. तो दिस इज़ द एंड ऑफ COP26. COP26 थोड़ा बड़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या उन्होंने लॉन्च किया है, क्या क्या आया है उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने अभी पेरिस रूल बुक को फाइनलाइज किया है, क्या क्या इंडिया ने लॉन्च किया है, किसका इंडिया मेंबर है, किसका नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब नाउ लेट्स कम टू द किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो ये भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है, पिछली बार भी था. तो रिसेंटली UN कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, जो हमारा रेटिफिकेशन है किगाली एग्रीमेंट अमेंडमेंट को रेटिफिकेशन दे दिया है, रेटिफाई कर दिया है ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सिग्नेटरी मतलब होता है कि इंडिया ने बोल दिया कि मैं साइन करूंगा. रेटिफिकेशन मतलब ये होता है कि जब पार्लियामेंट जो है हमारा रेटिफाई कर सके, मतलब यहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर या फिर हमारा लेजिस्लेचर जब रेटिफाई कर दे, पास कर दे, तो वो चीज़ें रेटिफिकेशन के तौर पर ली जाती हैं. ओके, तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है रेटिफिकेशन टू द किगाली अमेंडमेंट ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर. तो सबसे पहले हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं, उसके अंदर जो है किगाली एग्रीमेंट पढ़ेंगे. अब उसके अंदर किगाली और वेना कन्वेंशन दो चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं. तो ये एक मल्टी लेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है, जो कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन जो हमारे होते हैं केमिकल्स जो हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं. ओजोन आपको पता होगा, ओजोन एक लेयर है जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में रहती है. ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है. ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर होती है, दैट इज ओजोन, जो कि हमारे जो हमारी सन रेज आती हैं उनसे हमारे अर्थ को जो है प्रोटेक्ट करता है कि हमारे जो है अर्थ तक ना पहुंचे जो हार्मफुल सन रेज है. तो इसलिए जो है ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर का यही काम होता है. अब कोई भी केमिकल्स मान लीजिए यहां से बढ़ रहे हैं, यहां से कोई केमिकल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ओजोन लेयर को मोटी रहती है तो उसको थिन कर देते हैं. थिन होने के कारण क्या है, ओजोन हमारा डिप्लीट होने लगता है. तो उसी को हम बोलते हैं, उसी के लिए जो है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया है. तो ये एक मल्टीलेटरल एनवायरमेंट एग्रीमेंट है जो हमारे प्रोडक्शन और कंजम्पशन है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का, उनको रेगुलेट करेगी. ये अडॉप्ट किया गया था 1987 में और 1989 में ये फोर्स में आया था. ये एक ओनली UN ट्रीटी है जो कि सारी कंट्रीज ने रेटिफाई की है. तो UN के जितनी भी मेंबर्स हैं उन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया है. तो ओनली UN ट्रीटी है जिसको रेटिफाई किया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारे टेस्ट सीरीज आते हैं उसमें पूछा जाता है. ये बेस्ड है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के, जो कि हमारा वीना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो प्रोवाइड करता है. अंडर द प्रोटोकॉल अगर बात करें तो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके पास इक्वल बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्योंकि क्या होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, अपने डेवलप हो चुकी हैं, तो उनके लिए जो है इन चीज़ों को करना ज़्यादा पॉसिबल है एज़ कंपेरिजन टू हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है. क्योंकि डेवलपिंग कंट्री अभी डेवलप कर रही है, अगर यही चीज़ें वो करने लगेंगी, सब चीज़ें एमिशन कम करने लगेंगी, वो करने लगेंगी, तो उनको डेवलप होने में प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए उन्होंने बोला कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इक्वल बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है, रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट टाइम टेबल्स, बट बोथ ग्रुप्स के लिए ये एग्रीमेंट जो है वो बाइंडिंग है, टाइम टारगेटेड है और मेजरेबल है, और कमिटमेंट्स लानी पड़ेंगी आपको. तो ये क्या है, एग्रीमेंट बाइंडिंग है. याद कर लीजिएगा, जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो बाइंडिंग है. अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसमें जो है एक मल्टीलेटरल फंड बनाया गया है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल. तो डेवलपिंग कंट्री मॉन्ट्रियल मल्टीलेटरल फंड बनाया गया, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए. अब 1990 में टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक असेसमेंट पैनल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया एज अ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी बॉडी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पार्टीज. और कुछ सेवरल अमेंडमेंट्स किए गए प्रोटोकॉल में सिंस इट्स एडॉप्शन. ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं. हाँ, तो इंडिया जो है इसका पार्टी आपको पता ही होना चाहिए. अब UN एनेक्सेस टू जो भी एनेक्सेस होती है, एनेक्सेस मतलब कुछ कंट्रीज़ को डिवाइड किया है किस किस पार्ट में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड स्पेशल सिचुएशन डेवलपिंग कंट्रीज. तो टाइप ऑफ UV रेडिएशन अगर बात करें तो UVA जो जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, UVB जिसकी वेवलेंथ मीडियम होती है, और UVC जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है. ठीक है, तो UVA जो होते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही सही होते हैं और पास हो जाते हैं
एटमॉस्फेयर के थ्रू, मतलब एटमॉस्फेयर से पास हो जाते हैं तो नीचे तक जाने जाते हैं। अब यूवी बी की बात करें तो ये मीडियम वेवलेंथ होती है, हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए, इसलिए बहुत सारी जो यूवी बी रेडिएशन है वो फिल्टर की जाती है थ्रू ओजोन लेयर। फिर यूवी सी आती है, वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, तो मोस्ट डैमेजिंग जो वेवलेंथ होती है ये, मतलब जो हमारी रेडिएशन होती है, दैट इज़ यूवी सी, और कम्प्लीटली हमारी ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्व कर लेती है क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती है। अब कुछ सब्सटेंस जो हमारे प्रोटोकॉल के द्वारा कंट्रोल किए हैं, तो एनएक्स ए में सीएफसी और हेलोन्स आते हैं, एनएक्स बी में हेलोजिनेटेड सीएफसीज आते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड आते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म आते हैं, एनएक्स सी में एचसीएफसीज आते हैं, एनएक्स एफ में एचएफसीज और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो है हमारा कंट्रीज़ का, तो नॉन आर्टिकल कंट्रीज़ है, नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ आती हैं, और आर्टिकल 5 कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें डेवलपिंग कंट्री आती है जिनका एनुअल जो कंजम्पशन है हमारा कंट्रोल सब्सटेंस का वो लेस देन 0.3 किलोग्राम से पर कैपिटा ऑन डेट ऑफ द एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ द प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज। अब आते हैं वेना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर की बात करें, तो वेना कन्वेंशन जो है ये ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया गया है, एक मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट है जो 1985 में लाया गया। तो जो भी ओजोन लेयर को अफेक्ट करती हैं उन मतलब ओजोन लेयर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ह्यूमन मतलब रिसर्च और मॉनिटर करना और कॉन्क्रीट एक्शन लेना अबाउट अगेंस्ट द एक्टिविटीज़ विद एडवर्स इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। अब कुछ टारगेट्स रिडक्शन के लिए लिए गए, तो ये टारगेट्स आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इस पर एम्फोसाइज नहीं कर रही हूं, तो इसलिए प्लीज इसको स्किप करिएगा, जो मैंने जो ही बताया वो याद करने की जरूरत है आपको। फिर आते हैं अबाउट किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो किगाली एग्रीमेंट जो है वो अडॉप्ट किया गया था 2016 में कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उनको हमको फेस डाउन करना है। ये कब आया, 2019 में आया। ये डिवाइड किया नेशंस को 3 ग्रुप्स में विद 4 स्टेप पाथ कि उन्होंने 80% मतलब उनको 80% रिडक्शन अचीव करना है एचएफसी कंजम्पशन का 2047 तक। ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि डिज़ाइन किया गया है कि हमको राइट्स बनाने और ऑब्लिगेशन लाने हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ में, और अप टिल जुलाई 2021 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है हमारे किगाली अमेंडमेंट को। बीइंग अंडर ग्रुप 2 अगर बात करें तो इंडिया जो है एक नेशनल स्ट्रेटजी डेवलप किया है कि वो जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है 2023 तक फेस डाउन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया किगाली एग्रीमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझ में आ गया और किगाली एग्रीमेंट भी समझ में आ गया। अब इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, इंडिया जो है हमारा पार्टी है वेना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1991-1992 से। इंडिया ने प्रोएक्टिवली अगर बात करें तो हमारा जो सीएफसी कंजम्पशन था उसको फेज आउट कर दिया है, उसको प्रोडक्शन भी एकदम फेज आउट हो चुका है, एक्सेप्ट वो किसी हमारे एमडीआई मेटल डोज इनहेलर्स में यूज़ हो, जैसे जो कि अस्थमा और इन सब के लिए यूज़ होते हैं, तो उन सब के लिए यूज़ होता है, बट सीएफसी जो है फेज आउट हो चुका है। सब्सिक्वेंटली अगर बात करें तो यूज़ जो है सीएफसी का एमडीआईज में वो भी फेज आउट किया 2012 के बाद किया गया था। और ओजोन सेल जो है वो सेटअप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सेटअप किया है एज अ नेशनल ओजोन यूनिट, जो कि कुछ नेसेसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए और ODS को फेज आउट करने के लिए। ओके, तो ये हो गया इंडिया एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किगाली एग्रीमेंट एंड वेना कन्वेंशन, तो तीनों चीज़ें हो गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहीं से आपको पढ़ लेना है। तो ये चीज़ें क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एनवायरमेंट में पूछी जाती है, तो ये आपको यहीं पर क्लियर हो गई हैं। ओके, अब आते हैं ओजोन लेयर एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो मैंने बताया ओजोन जो है O3 होता है उसका फॉर्मूला, तो ओजोन जो है लेयर वो हाई ओजोन कंसेंट्रेशन रीजन है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है 15-35 किलोमीटर अबव द अर्थ रहता है, जो कि हमारी हार्मफुल जो भी रेज आती है उनसे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है बाई ऑब्जॉर्विंग दैट अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट सी को वो पूरी तरह ऑब्जॉर्व करता है, अल्ट्रावायलेट वी को जो कुछ हार्मफुल होती है उनको ऑब्जॉर्व करता है, और अल्ट्रावायलेट ए को पूरी तरह पास होने जाता है, मतलब ट्रांसपेरेंट कर देता है हमारे एटमोसफेयर को। अब ओजोन डिप्लीशन का बात करें, तो ओजोन डिप्लीशन का यही मतलब होता है कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो थिन हो जाए, मतलब पतली हो जाए, अगर हमारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है ज़्यादा बाहर निकल रहे हो 1985 में थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल ओवर एंटार्क्टिक ड्यूरिंग द सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग। अब कुछ मेजर ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है वो देख लेते हैं। तो पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है हेलोन्स, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन्स मिथाइल ब्रोमाइड एंड ब्रोमो क्लोरोमीथेन. तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज जो हमारे ओजोन को डिप्लीट करते हैं. अब आते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करें HFC की. तो HFC जो है ये बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल का ग्रुप्स है जो प्राइमरली यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर और कूलिंग प्रोसेस के लिए, जो हमारे फ्रिज होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है. बट ये बहुत ज़्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं. अब दे मतलब ये पूरी तरह तो ओजोन को डिप्लीट नहीं करते, बट दे आर अ पार्ट ऑफ शॉर्ट लिफ्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट के पार्ट होते हैं. तो शॉर्ट लिफ्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट मैंने पढ़ाया है आपको कौन कौन से होते हैं, ये कौन सी उसके अंदर आते हैं, ठीक है, विथ हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है इनका. फिर रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो क्यूटो एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एग्रीड इन 2018 क्वीटो, ठीक है. तो ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में के में ही एडजस्टमेंट किया गया क्यूटो में. इसमें यही किया गया कि जो हमारा प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसके लिए एनफोर्समेंट जो मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना है. जो भी हमारा अनएक्सपेक्टेड राइज हो रहा है हमारा ग्लोबल एमिशन उसको हमको कम करना है और बैन करने हैं कुछ केमिकल्स जैसे ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन को बैन करना है. अरेंजमेंट जो है किगाली एग्रीमेंट के लिए इंप्लीमेंटेशन के लिए एक अरेंजमेंट करना है कि वो भी किगाली जो अमेंडमेंट है वो भी हमारा अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाए, ठीक है. तो ये हो गया हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड किगाली एग्रीमेंट एंड वीना कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. तो इंडिया जो है दोनों का मेंबर है. अब हम आते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है इंडिया ने फॉर्म किया है तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है क्योंकि यही एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यही एक ऑर्गेनाइजेशन यूएन की नहीं सॉरी यही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में सिचुएटेड है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अभी ऑब्जर्वर स्टेटस जो है हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को दे दिया है. तो ऑब्जर्वर का क्या फ़ायदा होता है वो देख लेते हैं. तो स्टेटस ग्रांट करने का यही हेल्प होता है कि जो अलायंस है ये कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा हमारे अलायंस और यूएन के बीच में, जो कि हमको ग्लोबल बेनिफिट और डेवलपमेंट की तरफ हेल्प करेगा. ये हमको चॉइस प्रोवाइड करेगा आईएसए को मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, कि उसका परमानेंट ऑफिस जो है यूएन के हेडक्वार्टर्स में बन सके न्यूयॉर्क में. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब ऑब्जर्वर स्टेटस जो है यूएन का ये 1946 में स्टार्ट हुआ था. स्विस गवर्नमेंट जो है उनको पहली बार परमानेंट ऑब्जर्वर मिला था जो, और फिर बहुत सारे रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए. अदर ऑब्जर्वर्स अगर बताएं तो नॉन मेंबर स्टेट्स होते हैं जैसे होली सी, इंटर गवर्नमेंटल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे आईएसए, एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं जैसे फाओ. अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करें तो ये जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब आया था, कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, ये तब लॉन्च किया गया था. इंडिया और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था. ये एक मल्टी कंट्री पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो सोलर रिच कंट्रीज है, पहले क्या था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज आती थी वही बस इसका मेंबर थी, बट अब जो है इन्होंने पूरे यूएन मेंबर्स को इसमें जोड़ने की बात कर ली है. तो अब जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जो कंट्रीज है वो भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं. ओके, तो इट हैज बीन नाउ एक्सटेंडेड टू द मेंबरशिप ऑफ द अलायंस टू ऑल यूएन मेंबर स्टेट. बॉडी का यही है, बॉडी का एम यही है कि हमारे जो सोलर एनर्जी एप्लीकेशन है उसको स्केल अप करना है, कोऑर्डिनेटेड एक्शन बनाना है, वॉलंटरी बेसिस पे सारी चीज़ें लॉन्च करनी है कि हमारा जो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजीज है वो बढ़ सके. हर मेंबर का शेयर जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा अपने सोलर एप्लीकेशन के लिए. टिल अक्टूबर 2021 101 कंट्रीज़ ने साइन किया है आईएसए को और 80 कंट्रीज़ जो है साइन और रेटिफाई भी कर चुके हैं. एट द COP26 जो ग्लासगो में हुआ था तो यूएस जो है उन्होंने बोला है कि यूएस ने भी अनाउंस किया कि मैं भी ज्वाइन करूंगा एज अ 101 मेंबर. आईएसए जो है ये पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स जो है इंडिया में है, ठीक है. तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप प्लीज मुझे सर्च करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे. ओके, और व्हाट आईएसए रिप्रेजेंट्स, आईएसए रिप्रेजेंट क्या करता है, तो 73% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 36% ऑफ द वर्ल्ड GDP को रिप्रेजेंट करता है, 55% ऑफ द टोटल एनर्जी कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है, 23% ऑफ स्टॉल सोलर कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है. अब इनिशिएटिव्स जो आईएसए ने लिए हैं तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो कि मैंने पढ़ा दिया है ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, वो इंडिया ने लॉन्च किया है और आईएसए के साथ मिलके COP26 में, जो कि हमारी सोलर एनर्जी को हार्नेस करेंगे और वेर एवर द सन इज शाइनिंग एंश्योरिंग दैट वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर एनर्जी से जनरेट हो. फिर आईएसए पार्टनर्ड विथ ब्लूमबर्ग
फिलेंथ्रोपीज टू मोबिलाइज $1 trillion जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी पे करेंगे. फिर ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट दैट इज़ GAP ये लॉन्च किया है COP26 में विथ $10 billion जो है कमिट किया है कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जो हमारी ग्रीन एनर्जी की तरफ है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा इन इमर्जिंग इकोनॉमीज. फिर ISA प्रोग्राम ऑन स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज़ जो कि फोकस करेंगे कि हमारा जो एनर्जी एक्सेस है वो ग्रेटर हो सके और सस्टेनेबल इरिगेशन सॉल्यूशन बना पाए फार्मर्स को थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम इन मेंबर कंट्रीज. तो दीज आर द इनिशिएटिव्स जो कि हमारे ISA ने लिए हैं. अब आते हैं कुछ अदर इनिशिएटिव्स इन न्यूज़. अगर बात करें तो फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चाइना ने अपना पहला बैच जो है फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प का अभी यूज़ किया है मतलब इशू किया है टू यूज़ मार्केट मैकेनिज्म को यूज़ करने के लिए कि हम अपना कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस कर पाएँ. अब फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट स्टैम्प क्या होता है? ये एक टाइप का परमिट होता है जो हम कंपनीज को देते हैं कि वो कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एमिट कर सकती है. ठीक है, क्या देते हैं? ये एक टाइप का परमिट होता है जो हम किसी कंपनीज को देते हैं कि वो कुछ अमाउंट का सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट कर सकती हैं. बट उनके लिए क्या है, अगर वो एमिट कर रही हैं तो उनको ऐड करना पड़ेगा फॉरेस्ट एरियाज में जो तो फिर उनको दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम एडेड फॉरेस्ट एरियाज. तो उनको जितना भी वो एमिट कर रही हैं तो फॉरेस्ट एरियाज में ऐड करना पड़ेगा और जो अमाउंट ऑफ कार्बन जो दे कैन कैप्चर जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बन कैप्चर करें उतना ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज में उनको ऐड भी करना पड़ेगा. अब ये क्रेडिट जो है ये सब ये कोलेट्रल की तरह काम करेंगे अगर बैंक से आपको क्रेडिट और लोन्स लेने हैं. फॉरेस्ट कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है ये कहीं ना कहीं ग्रेट पोटेंशियल है कि चाइना का जो एमिशन है कार्बन एमिशन वो 2030 तक वो कम कर पाए और कार्बन न्यूट्रलिटी 2060 तक मेंटेन अचीव कर ले. फिर आते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ये एज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एम्बिशन टारगेट यूरोपियन यूनियन का एम्बिशियस टारगेट है कि 55% जो है कार्बन एमिशन उसको रिड्यूस करना है बाय 2030. फिट फॉर 55 इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का है. इसका एम यही है कि हमको वर्ल्ड के फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है ऑन इम्पोर्टेड गुड जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बोला है. ये कार्बन जो लीकेजेस होते हैं कंपनीज जो पॉल्यूट करती हैं ठीक है तो उन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे. ये कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है ये एक टाइप का टैक्स है कार्बन एमिशन पे जो भी हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उससे जो कार्बन एमिट हो रहा है उस पर जो लगाना पड़ेगा फ्रॉम द कंट्रीज विथ लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज. इसका एम यही कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसको क्रिएट करना बिटवीन इंपोर्ट्स एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन. ठीक है, तो वर्किंग अगर बात करें तो ये सारे गुड्स इंक्लूड होते हैं जो भी आइसलैंड ये नॉर्वे स्विट्जरलैंड यहाँ से आते हैं. अब फॉर एग्जांपल सप्लायर जो है वो नॉन यूरोपियन यूनियन कोई कंट्रीज हो और उन्होंने बायर को सप्लाई किया तो इनको जो है CBAM सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए और CBAM ऑथराइजेशन जो है एनुअल CBAM डिक्लेरेट करेंगे फिर उसके बाद सप्लायर के पास जाएगा और ये जो है EU पे एप्लीकेबल नहीं है ओरिजिनेटिंग गुड्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टाइप का. अब इसका ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है एक टाइप का टैक्स है अगर हम किसी भी चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं अगर उस गुड से कार्बन एमिट हो रहा है तो उसके लिए जो है ये टैक्स लगाया जाएगा. फिर आते हैं क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग. तो ये क्या है, वन ऑफ द टू मेन ट्रैक्स है जो कि US इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का है. ये क्या है, इसके तीन पिलर्स हैं. पहला है क्लाइमेट एक्शन पिलर जहाँ पे हमको रिड्यूस करना है एमिशन इन नेक्स्ट डिकेड. पिलर है कि हमको एक रोड मैप बनाना है कि हमको 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अचीव करनी है ट्रांसपोर्टेशन बिल्डिंग और इंडस्ट्री में. फाइनेंस पिलर जो है कि फाइनेंस पिलर कि हमको जो फाइनेंस प्रोवाइड करना है कि 450 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी उसके लिए फाइनेंस को अट्रैक्ट करना है और स्केल करना है हमारी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को. फिर आते हैं क्लाइमेट रिजिलियंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग. तो क्रिस्प एम टूल ये यूनियन मिनिस्टर जो है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने रिसेंटली जॉइंटली इसको लॉन्च किया है क्रिस्प एम टूल को. तो किसने लॉन्च किया है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज ने. ये हेल्प करेंगे जो भी हमारा इंटीग्रेशन है क्लाइमेट इंफॉर्मेशन का जियो इन्फॉर्मेटिक सिस्टम्स यूज़ करके बेस्ड ऑन वाटरशेड प्लानिंग अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज की एक्ट. इसमें जो है ये 7 स्टेट्स पे टारगेट कर रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ UK की हेल्प के साथ इंडिया जो है जॉइंटली वो करेगा और जो 7 स्टेट हैं वो बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और राजस्थान है.
फिर फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने पढ़ाया है आपको। तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, ये जो है पार्ट है हमारे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया के ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट उसके पार्ट है। अब ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया जो है ये ज्वाइंट प्रोग्राम है 7 ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे चाइना इंडिया वियतनाम जो है मिल के जो है इंगेज कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट की तरफ हमको शिफ्ट करना है। ये पार्ट है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव और नीति आयोग का जो कि इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर है, और ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो है थर्ड मोस्ट CO2 एमिटर सेक्टर है। ओके, तो फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट, नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। फिर आते हैं क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव, तो ये इंडिया और यूके ने मिलकर लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल्स इंडस्ट्रियल डीप डीकार्बनाइजिंग इनिशिएटिव, जो इंडिया और यूके ने मिलकर लॉन्च किया है। ये एक कोएलिशन है पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल मटेरियल्स है, लो कार्बन इंडस्ट्रियल मटेरियल की डिमांड करनी है उसको बढ़ाना है। ये नहीं कि जो इंडस्ट्रियल मटेरियल हाई कार्बन एमिट कर रहे हैं उनको आप बढ़ाएं। ये कोऑर्डिनेट किया जाएगा बाई UNIDO और कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड कनाडा जो कि जॉइंटली वो करेगी। इसका वर्क यही है कि स्टैंडर्डाइज करना है हमारे कार्बन असेसमेंट को, प्राइवेट और पब्लिक जो सेक्टर प्रोक्योरमेंट टारगेट्स है उसको बढ़ाना है, और इंसेंटिवाइज करना है इन्वेस्टमेंट इन लो कार्बन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये जो है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कोएलिशन है जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स और ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर बनाया जाएगा टू टैकल कार्बन इंटेंसिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जैसे कि मिशन पॉसिबल प्लेटफॉर्म हो गए, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन हो गए, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हो गई और वर्ल्ड बैंक हो गए। फिर आते हैं क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, तो ये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है किस चीज़ के लिए, जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे क्लाइमेट एक्शन है उसमें इक्विटी और इनइक्वालिटीज़ जो है एमिशंस में, एनर्जी और रिसोर्स कंजम्पशन है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए ये डेवलप किया गया है बाय इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने डेवलप किया है इंडिया से। और इसका एम यही है कि जो हमारी NX1 पार्टीज़ हैं UNFCCC में, NX1 पार्टीज़ वो हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनका जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना है और उसके बेसिस पे इक्विटी और बट प्रिंसिपल जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज पे बेस करना है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि उनके पास जो है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ना बात करके कि मतलब जैसे कि अब फॉर एग्जांपल कंट्री हमारी कंट्री तो ज़्यादा एमिट नहीं कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज ने डेवलप्ड कंट्रीज में उन्होंने पहले से एमिट कर लिया है, तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। अब परफॉर्मेंस और पॉलिसीज जो है नॉन NX1 पार्टीज की जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा कंपैरिजन के लिए। फिर आते हैं वाटर एंड क्लाइमेट कोएलिशन, तो वाटर और क्लाइमेट कोएलिशन जो है ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो कि हमारे टेंजिबल एक्शन एक्टिविटीज़ और पॉलिसी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर जो इंटीग्रेटेड वाटर एंड क्लाइमेट एजेंडा है उसको इंटीग्रेट करके। स्पेशल फोकस किस पे करेंगे? इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑपरेशनल कैपेसिटी। अब WCC जो है वो ओपन है, बहुत सारे मेंबर्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गए, प्राइवेट सेक्टर NGOs, UN ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है मिलकर ज्वाइन कर सकते हैं। That are on equal footing to generate momentum through implementing concrete hydrological activities at national, regional or global level। और ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होस्ट किया जाएगा। फिर कॉटन 2040 इनिशिएटिव, तो ये मैंने आपको आई थिंक इकोनॉमी वाले सेक्शन में पढ़ाया, जब मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने कॉटन पढ़ाया था कि कॉटन जो हमारा क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा हमारा किससे इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो कॉटन 2040 जो इनिशिएटिव है ये फोरम फॉर द फ्यूचर ने लॉन्च किया है, जिसका एम यही है कि जो भी हमारे कॉटन इंडस्ट्री को क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कर रहा है तो उसके लिए एक रेजिलिएंट क्रिएट करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय कॉटन 2040 इनिशिएटिव, क्लाइमेट चेंज जो है वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ ऑल ग्लोबल कॉटन ग्रोइंग रीजन्स में इंक्लूडिंग इंडिया रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है। एटलीस्ट वन क्लाइमेट हज़ार्ड 2040 तक इंक्रीज हो जाएगा। क्लाइमेट हज़ार्ड्स में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो गया, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो गए, तो ये हो गया। फिर आते हैं अर्थ शूट प्राइस 2021, तो इंडिया एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट जो है अभी उनको प्राइस मिला है फॉर प्रिंस विलियम्स अर्थ शूट प्राइस 2021। अर्थ शूट प्राइस जो है ये अवार्ड सेटअप किसने किया है? प्रिंस विलियम और रॉयल फाउंडेशन ने सेटअप किया है। द चैरिटी फाउंडेड बाई ड्यूक्स एंड डोचेस ऑफ कैम्ब्रिज एंड हिस्टोरियन डेविड एटनबर्ग, जिन्होंने ऑनर किया है 5 फाइनलिस्ट को बिटवीन 2021 to 2020, कि उन्होंने क्लाइमेट क्राइसिस से फाइट करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस को डेवलप किया है। ये 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था, 2021
2021 वॉज द फर्स्ट ईयर जहाँ पे अवार्ड हैंड ओवर किया गया है कुछ फाइनलिस्ट को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो पीएम प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी ऑलमोस्ट 7 ईयर से मिली नहीं है, तो ये पहली बार 2008 में बनी थी। और ये चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और ये इसलिए बनी थी कि क्लाइमेट चेंज से जो भी मिटिगेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, अडाप्टेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को एसेस कर सकें। तो इसमें जो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल मेंबर दोनों होते हैं। और पीएमसीसी जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हुई 2014 में। कमेटी जो है फोकस करती है कि हमको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इशूज़ आ रहे हैं उसको उसके लिए रिस्पांस प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होने चाहिए और जो एक्शन प्लान है उसको फॉर्मुलेट करना। तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो दीज आर द सम इनिशिएटिव्स जो हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। नाउ लेट्स कम टू क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ क्लाइमेट फाइनेंस मैकेनिज्म। तो ड्यूरिंग COP26 इंडिया ने डिमांड किया है कि $1 trillion जो है क्लाइमेट फाइनेंस की ज़रूरत है ओवर अ नेक्स्ट डिकेड। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो $1 trillion हमको क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, तभी हम जो क्लाइमेट की चीज़ें हैं, ग्लोबल वार्मिंग अगर अराइज हो रहा है तो हम उसको मिटिगेट कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं। अब क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस का यही मतलब है कि लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फंडिंग प्रोवाइड करना, फाइनेंसिस प्रोवाइड करना, जो चाहे कहीं से भी आए, पब्लिक दे या प्राइवेट दे या अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग, जो हमारे मिटिगेशन और अडॉप्टेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करे। अब मिटिगेशन क्या होता है? कि ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है। अडॉप्टेशन मतलब कि जो भी एडवर्स इफेक्ट है हमारे क्लाइमेट चेंज के उसको हमको अडॉप्ट करना है। ओके, तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग जो है एसेंशियली हेल्प करता है वर्ल्ड को कि अपना टारगेट जो है ग्लोबल वार्मिंग का उसको लिमिट कर सके और उस पर रीच कर सके। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है UNFCCC और क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी पार्टीज को जिनके पास नहीं होता है। अब आते हैं कुछ फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो इस्टेब्लिश किए गए हैं UNFCCC और रिलेटेड एग्रीमेंट के द्वारा। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात करें तो ये जो है ऑपरेटिंग एंटिटी है जो कि फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है सिंस जब से कन्वेंशन हमारा लॉन्च हुआ 1994 से। ये दो टाइप के फंड को मैनेज करती है, पहला है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, दूसरा है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है वो 2001 में इस्टेब्लिश किया गया कि जो कि हमारे अडाप्टेशन से रिलेटेड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट है उनको फंड कर प्रोवाइड करेगी, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गए, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए ये फंड प्रोवाइड करेगी। फिर आते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ये सपोर्ट करेगी हमारी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को, उनको उनके वर्क प्रोग्राम को असिस्ट करेगी और उनको इम्प्लीमेंट उनको ये बताएगी कि नेशनल अडाप्टेशन प्रोग्राम्स फॉर एक्शन कैसे आपको प्रिपेयर करना और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और ये दोनों फंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंदर आते हैं। फिर आते हैं अडाप्टेशन फंड। तो अडाप्टेशन फंड 2001 में इस्टेब्लिश हुआ जो हमारे अडाप्टेशन प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंस करने के लिए, और इसकी मतलब जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लिए, और ये क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया था। ठीक है, फिर आते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ये जो है COP16 में लाया गया और इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने प्लेज किया कि वो $100 बिलियन जो है वो पर ईयर 2020 तक जो है हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगे कि वो जो है अपना NDC टारगेट जो है मेंटेन कर पाए। ठीक है, फिर अदर फंड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो UN बैक्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड। तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड जो है इसका एम यही है कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, उनके लिए फंड प्रोवाइड करना कि वो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मूव कर सकें। फिर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो इसका एम यही है कि हमारे क्लाइमेट एक्शंस जो है उनको एक्सेलरेट कर सके, कुछ क्लीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करके एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करके, क्लाइमेट रिजिलियंस करके मिडिल जो डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको। फिर UN रिडक्शन एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इसका एम यही है कि हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमारे प्री एमिनेंट नेचर वेस्ट सॉल्यूशन है उसको बनाना है टू क्लाइमेट इमरजेंसी। फिर नेट जीरो एसेट ऑनर अलाइंस है, इसमें 29 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, सोवरेन वेल्थ फंड्स, जो कि वर्क कर रहे हैं कि हमारे जो नेट जीरो है उसको अचीव करने में हेल्प करें। फिर आते हैं अदर इंटरनेशनल फंड की अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज फंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ADB ने लॉन्च किया है, ये 2008 में लॉन्च हुआ था कि जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है कि वो जो क्लाइमेट चेंज के कॉजेज़ है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हेल्प मतलब वो उनको इफेक्टिवली एड्रेस कर सके, उनको एक ग्रेटर इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर आते हैं फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये ग्लोबल पार्टनरशिप है हमारी गवर्नमेंट, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, इंडिजीनियस पीपल के बीच, जो कि एमिशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको
उसको फिर से रिवर्स करेंगे, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कंजर्वेशन करेंगे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट करेंगे जो रेड प्लस प्रोग्राम में हमारे दिया है। फिर अदर नेशनल एंड लोकल सोर्सेस ऑफ रेजिंग फाइनेंस की बात करें तो सबसे पहले एलोकेशन फॉर नेशनल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल नेशनल अडैप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो सेटअप की गई थी 2015-16 में, जो हमारे कॉन्क्रीट अडैप्टेशन एक्टिविटीज़ और मिटिगेशन एक्टिविटीज़ है उनको सपोर्ट करने के लिए। फिर कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट आया जो कि कार्बन मार्केट जो अप्रोच है उसको इंक्लूड करता है, जहाँ पर कार्बन ट्रेडिंग जो एमिशन ट्रेडिंग स्कीम है वो एस्टेब्लिश की गई, कार्बन क्रेडिट लाया गया और उसको सोल्ड किया गया और ख़रीदा गया एट अ मार्केट प्राइस। कार्बन एमिशन टैक्स अप्रोच लाया गया जहाँ पे आप जितना भी फॉसिल फ्यूल एमिट कर रहे हो उस मतलब जितना भी वो कर रहे हो उससे जो एमिट हो रहा है तो उसके लिए टैक्स लगाना है, तो ये सब चीज़ें लाई गई। तो दीज आर द फंडिंग। तो फंडिंग का सब मेन एम वही है कि अडाप्टेशन और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी है तो सबका एम बिल्कुल सेम है, कुछ में अडाप्टेशन बस है, कुछ में मिटिगेशन है, कुछ में दोनों है, और ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ पे फोकस किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फंडिंग पार्ट। नाउ लेट्स कम टू कॉन्सेप्ट इन ब्रीफ। तो कार्बन इंटेंसिटी की अगर बात करें तो कार्बन इंटेंसिटी होता क्या है? कार्बन इंटेंसिटी वही होता है कि जितना आपने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला अपॉन GDP आपका जितना है तो उसको बोलते हैं हमारा कार्बन इंटेंसिटी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर यूनिट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड कार्बन इंटेंसिटी। फिर आते हैं माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। तो रिसेंटली काउंसिल ऑन एनर्जी वाटर एनवायरमेंट एंड वाटर ने रिपोर्ट फाइंड की है कि जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है इंडिया की तरफ, इज ड्यू टू माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। तो माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं ये लोकल इंटरप्ले हैं जो कि फैक्टर्स सच एज सॉइल टेम्परेचर हो गया, एयर टेम्परेचर हो गया, विंड डायरेक्शन हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, ये इफेक्ट हो जाते हैं बाई डे एंड नाइट इफेक्ट एंड सीजनल इफेक्ट। अब ये इफेक्ट जो है माइक्रो क्लाइमेट के वो कहीं ना कहीं बफर प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट अ क्लाइमेट चेंज और दे मे बी एम्पलीफाई इट्स इफेक्ट ऑल्सो, उसके इफेक्ट्स भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। फिर नेट जीरो कार्बन टारगेट। तो नेट जीरो एमिशन का यही मतलब है कि हमको कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना है कि एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो बैलेंस्ड हो जाए एंथ्रोपोजेनिक रिमूवल से। जितना भी हम एमिट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हम बैलेंस कर लें तो हमारा जो है ये कार्बन न्यूट्रलिटी आ जाएगी। ये पॉसिबल है हर कंट्रीज़ के लिए, इवन फॉर भूटान जिनके पास नेगेटिव एमिशन है, इफ़ द एब्जॉर्प्शन और रिमूवल एक्सीड द एक्चुअल एमिशन। कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारे कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, कार्बन कैप्चर कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज जो स्कीम है उसको ला सकते हैं। तो दीज आर द कुछ इनिशिएटिव्स जो हमारे नेट जीरो में हेल्प करेंगे। फिर आते हैं काराकोरम एनोमली। तो काराकोरम जो है एनोमली को ये टर्म है एक स्टेबिलिटी और एनोमलस ग्रोथ ऑफ ग्लेशियर्स इन सेंट्रल काराकोरम रेंज। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो हम देखते हैं एनोमली मतलब कुछ चीज़ें फैक्ट होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी वो हम निकालते हैं तो कुछ और आता है, तो वो सब चीज़ें देखा गया है। इन कॉन्ट्रास्ट टू रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स इन अदर नियर बाई माउंटेन रीजन्स ऑफ हिमालयस एंड अदर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो एनोमलस ग्रोथ हो रही है हमारे ग्लेशियर्स में हाँ काराकोरम रेंज में, बट कुछ जगह जो है उसी के आजू बाजू रीजन वहाँ पे जो है ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोला गया है काराकोरम एनोमली। फिर ट्रांस बाउंड्री फिश स्टॉक। तो रीसेंट स्टडी अभी की गई है जो कि इंपैक्ट देखा है उन्होंने क्लाइमेट चेंज का ऑन ट्रांस बाउंड्री स्टॉक्स ऑफ फिशरीज ऑपरेटिंग विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो फिशरीज है उनको देखा गया है। तो अब शेयर्ड स्टॉक्स है क्या कॉन्सेप्ट जो है शेयर्ड स्टॉक्स का वो डेवलप द फॉलोइंग रेटिफिकेशन ऑफ UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज अनक्लॉज आया था और क्लेमिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बाई कोस्टल स्टेट। एज पर FAO अगर बात करें तो शेयर्ड स्टॉक जो है वो चार नॉन एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रांस बाउंड्री स्टॉक जो कि नेबरिंग EEZ को क्रॉस करते हैं, स्ट्रैंडलिंग स्टॉक जो कि एडिशन है नेबरिंग EEZ के और ऑल्सो एडजेसेंट हाई सीज में भी विजिट कर सकते हैं। फिर हाई माइग्रेटरी स्टॉक दैट माइग्रेट अक्रॉस वास्ट ओशियन रीजन में माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब उसमें हाई सीज और EEZ दोनों इंक्लूड होते हैं। फिर डिस्क्रीट स्टॉक जो सिर्फ हाई सीज में ही प्रेजेंट रहते हैं तो वो बोलते हैं ट्रांसबाउंड्री फिश स्टॉक। फिर आते हैं ओकरा प्लांट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर प्लांट है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन जो है वो कहाँ पे किया गया है, आइसलैंड में स्टार्ट हुआ है। स्विस स्टार्टअप क्लिम्स वर्क AG जो है उन्होंने स्पेशलाइज किया है कि कैप्चर करना है हमको कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। एयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमको डायरेक्टली कैप्चर करना है और उन्होंने आइसलैंडिक कार्बन स्टोरेज फर्म जो है कार्फिक्स उसके साथ मिलकर ये लॉन्च किया है टू डेवलप। उनको एक प्लांट डेवलप करना है जो कि 4000
थाउजेंड टन्स जो है सी ओ टू का उसको सक आउट कर लेगी पर ईयर। आइसोलेटेड कार्बन जो है उसके बाद उसको मिक्स किया जाएगा वाटर के साथ और उसको डीप अंडरग्राउंड ले जाएगा जहाँ पे वो सोलली रॉक्स में उसको टर्न आउट किया जाएगा। वो टेक्नोलॉजीज जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनी होंगी, सोर्स फ्रॉम नियर बाई जियो थर्मल पावर प्लांट। डायरेक्ट एयर कैप्चर इज वन ऑफ द वे फ्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करती है हमारे एटमोसफेयर से। फिर आते हैं परमाफ्रॉस्ट थॉइंग। तो लेटेस्ट आईपीसीसी रिपोर्ट ने अभी वॉर्न किया है कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारा आर्टिक का जो आइस है वो रिड्यूस हो रहा है, आर्टिक परमाफ्रॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो रहा है और थॉइंग जो है ग्राउंड की वो बढ़ रही है इज एक्सपेक्टेड, जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है मीथेन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ये ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। ये बिलीव किया जाता है कि कुछ बैक्टीरिया और वायरस जो हैं जब हमारा प्लैनेट बना था तो उस टाइम पे कुछ बैक्टीरिया और वायरस जो हैं हमारे परमाफ्रॉस्ट रीजन के अंदर रह गए थे। तो डी फ्रीजिंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट, अगर डी फ्रीज होगा वो वहाँ के आइस वगैरह हटेंगे तो उसके कारण जो है बहुत सारे माइक्रोब्स रिलीज होंगे एनवायरमेंट में जो कि जिसका पोटेंशियल है कि वो हमारे डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। परमाफ्रॉस्ट है क्या, परमाफ्रॉस्ट पढ़ रहे हैं तो परमाफ्रॉस्ट जो है डिफाइन किया गया है एज अ टर्म, ये एक ग्राउंड है जहाँ जो कि बिल्कुल जीरो डिग्री सेल्सियस के बिलो रहता है फॉर एटलीस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, दो साल के लिए अगर वो जीरो डिग्री सेल्सियस से बिलो रहता है मतलब वहाँ का टेम्परेचर जो है जीरो डिग्री सेल्सियस से कम है तो उस रीजन को हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। अब परमाफ्रॉस्ट जो है स्प्रेड है पूरे एरिया में ओवर 23 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो कि 15% ऑफ द लैंड को कवर करता है। परमाफ्रॉस्ट जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी होता है, हो सकता है स्पोरेडिक भी हो सकता है, आइसोलेटेड भी हो सकता है। अब मोस्ट ऑफ द परमाफ्रॉस्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड 60 डिग्री नॉर्थ टू 68 डिग्री नॉर्थ पे रहता है ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 24% ऑफ द आइस फ्री लैंड एरिया है जो कि मोर और लेस परमाफ्रॉस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है और मोस्ट जो एरिया है वो साइबेरिया, कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में पाया जाता है। अब कुछ अदर इम्पैक्ट अगर बताएं परमाफ्रॉस्ट थॉइंग के तो रिडक्शन होगा बियरिंग कैपेसिटी जो कि फ्रोजन ग्राउंड है, जो भी हमारे फ्रोजन ग्राउंड की एबिलिटी है कि वो स्ट्रक्चरल लोड को कैरी कर सकते हैं तो उसकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। वाटर जो है वो रिलीज होगा, मे कॉज सॉइल कोलैप्स हो सकता है, ट्रांसपोर्ट जो है सॉल्यूट का वो बढ़ सकता है, ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट, पॉल्यूटेंट वो बढ़ सकते हैं, विच में बी कैरीड, वो लॉन्ग डिस्टेंस कैरी किए जा सकते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का आप देख सकते हैं आइसोलेटेड क्या है, स्पोरेडिक क्या है, डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस क्या है। ओके, सो दिस इज द परमाफ्रॉस्ट। नाउ लेट्स कम टू रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस, स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस किसने रिलीज़ की है, तो क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलाइंस और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर की है। तो आपको लीडरशिप अलाइंस से समझ में आ गया होगा क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलाइंस तो किए ही होंगे सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलाइंस, पर वर्ल्ड बैंक ने मिलकर किया है। अब सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलाइंस क्या है, ये एक कोएलिशन है बहुत सारे लीडर्स का जिन्होंने कमिट किया है कि वो फाइनेंस जो है वो डिप्लॉय करेंगे सिटी लेवल क्लाइमेट एक्शन के लिए बाई 2030। ये एक ओनली मल्टी लेवल और मल्टी स्टेक होल्डर कोएलिशन है जिसका एम कि इन्वेस्टमेंट जो गैप है अर्बन सब नेशनल क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए उसको कम करना है। की हाइलाइट्स यही है कि अर्बन क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो हेविली कंसंट्रेटेड है हमारा ओईसीडी नेशंस को ज्यादा जाता है एंड चाइना को, वास्टली इनसफिशिएंट अमाउंट जो है फॉर अर्बन क्लाइमेट फाइनेंस वो इन्वेस्ट किया जाता है कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज में। फाइनेंस फॉर एडाप्टेशन प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ 9% इन्वेस्टमेंट अकाउंट करता है। ओके, तो ये स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस कौन रिलीज़ करता है, सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप अलाइंस और वर्ल्ड बैंक जो है मिलके रिलीज़ करते हैं। फिर आते हैं ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयस, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस, तो ये किसने रिलीज़ किया है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। तो ये याद कर लीजिए वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च पेपर अगर बात करें तो फुल इम्प्लीमेंटेशन अगर करंट पॉलिसीज़ का करेंगे ब्लैक कार्बन को मिटिगेट करने के लिए तो 23% रिडक्शन हम अचीव कर पाएंगे, बट अगर पूरी तरह न्यू पॉलिसीज़ बनाएंगे, न्यू पॉलिसीज़ लाएंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एनहांस्ड बेनिफिट जो है वो रीच कर सकते हैं। रिपोर्ट जो है हिमालयस, कराकोरम, हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस को भी कवर करती है जहाँ पे ग्लेशियर्स जो है बहुत जल्दी फास्टर मेल्ट हो रहे हैं देन द ग्लोबल एवरेज आइस मास। फिर आते हैं ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट, ये किसने रिलीज किया है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया। तो ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है, इसके फाइंडिंग यही है कि हॉटस्पॉट जो है क्लाइमेट माइग्रेशन के वो इमर्ज हो रहे हैं, 2030 तक बहुत ज्यादा इमर्ज हो जाएंगे और इंटेंसिफाई हो जाएंगे 2050 तक। सब सहारन अफ्रीका जो है वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनल क्लाइमेट रिफ्यूजीज वहीं पर मिलेंगे 2050 तक।
फिर आते हैं द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2020 रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और अदर यूनाइटेड नेशन एजेंसीज ने मिलकर लिया निकाला है। तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया जो है WMO और अदर कुछ ने मिलकर निकाला है। तो इसका ये जो ये यही हाईलाइट करता है कि जो भी क्लाइमेट एक्शन है एशिया में और आइडेंटिफाइज पाथवेज फॉर एड्रेसिंग क्रिटिकल गैप्स एंड चैलेंजेस। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है वो 413.2 पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है 2020 में, और जिसके कारण ये जो है एवरेज रेट से ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है। फिर आते हैं एटलस फॉर मोर्टैलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेज फॉर वेदर एंड क्लाइमेट वाटर एक्सट्रीम्स। ये रिलीज़ किया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ा दिया है आपको। तो इसके फाइंडिंग यही है कि ओवर द लास्ट 50 ईयर्स 50% ऑफ द ऑल रिकॉर्डेड डिजास्टर्स 45% रिलेटेड डेथ 74% रिलेटेड इकोनॉमिक लॉसेज जो है वो वेदर क्लाइमेट और वाटर हजार्ड से हो रहे हैं। मोर देन 91% जो है सारी डेथ वो डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है। नंबर ऑफ डिजास्टर्स जो है वो भी राइज हो रहे हैं, 5 ज़्यादा राइज हो रहे हैं और डेथ डिक्रीज बट द नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। और बहुत ज़्यादा गैप है वेदर ऑब्जर्वेशन में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आते हैं स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2021। इस ये भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। ये एनुअल रिपोर्ट है जो कि हमारे क्लाइमेट सर्विसेज के पे फोकस करती है, अडाप्टेशन नीड जो है उस पे फोकस करती है। ठीक है, तो 2021 एडिशन जो है वो वाटर पे फोकस किया है उन्होंने। तो की फाइंडिंग यही है कि 3.6 बिलियन पीपल जो है उनके पास inadequate access of water का at least last month। By 2050 ये बोला गया है कि more than 5 billion जो है राइज हो जाएगा चीज़ें। फ्लड रिलेटेड डिजास्टर जो है वो बढ़ गए हैं 134% एंड ड्यूरेशन जो है ड्राउट का वो भी 29% से इंक्रीज हो चुका है। एंड टू एंड रिवराइन फ्लड जो है ड्राउट फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम जो है वो एबसेंट हुआ है और इनएडुकेट है इन 34% एंड 54% ऑफ WMO मेंबर्स रिस्पेक्टिवली। तो कुछ ग्लोबल वाटर स्ट्रेस हॉटस्पॉट है जैसे सदर्न अफ्रीका हो गया, ठीक है, सहेल रीजन हो गया, मेडिटेरेनियन रीजन हो गया, नॉर्दर्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, साउथ एशिया हो गया, है ना, ईस्टर्न एशिया हो गया, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेस्टर्न साउथ अमेरिका हो गया और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया। तो दीज आर द कुछ वाटर स्ट्रेस हॉटस्पॉट। नाउ लेट्स कम टू द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो ये यूनिसेफ ने निकाला है। तो यूनिसेफ ऑब्वियसली बिल्कुल चिल्ड्रन बोला है तो यूनिसेफ ही निकालेगा। तो रिपोर्ट जो है वो कहीं रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट कर रही है एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और टूल और इनिशियल असेसमेंट ग्लोबल लेवल पे कि चिल्ड्रन जो क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे चिल्ड्रंस को जो भी इफेक्ट पड़ रहा है उनके ऊपर जो वल्नरेबिलिटी आ रही है वो कैसी है। रिपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है CCRI जिसमें वो कंट्रीज को रैंक करेंगे बेस्ड ऑन हाउ वल्नरेबल चिल्ड्रन आर टू एनवायरमेंट स्ट्रेस एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो CCRI जो है ये स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू 2 सेंट्रल पिलर्स पे बेस्ड है। पहला है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है उन्होंने टॉप किया है 163 इंडेक्स 163 कंट्रीज में, और इंडिया का जो रैंक है वो 26th है। और इंडिया जो है साउथ एशियन में से मतलब 4 साउथ एशियन कंट्रीज में से एक है जहाँ पे चिल्ड्रन जो है एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। की हाईलाइट्स अगर बताएं तो चिल्ड्रन जो है वो वल्नरेबल चिल्ड्रन जो है ज़्यादा वल्नरेबल है एडल्ट से क्लाइमेट चेंज के कारण। ग्लोबली अगर बात करें तो 1 बिलियन चिल्ड्रन जो है आर एट एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब CCRI कॉन्सेप्चुअल मॉडल पिलर्स एंड कंपोनेंट्स की बात करें तो पिलर 1 जो है तो ये बताता है एक्सपोजर टू क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल शॉक्स एंड स्ट्रेसेस, और पिलर 2 जो है चाइल्ड की वल्नरेबिलिटी। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो जर्मन वॉच रिलीज करते हैं। इसका एम यही है कि जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है उसको इंक्रीज करना इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी में, और इंडिया जो है टॉप 10 कंट्रीज में से एक है, बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज है, और डेनमार्क जो है हाईएस्ट रैंक कंट्रीज है। अब CCPI जो है वो 60 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन को इवैल्यूएट करती है 4 कैटेगरीज में। पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा है एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। तो 4 कैटेगरीज में जो है रैंक करती है। आपको इंपॉर्टेंट है 4 कैटेगरी याद करना, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। फिर आते हैं प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, तो वो मैंने पढ़ा दिया है। UNEP रिलीज करती है, इसके फाइंडिंग्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है। तो मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज की है। पेपर ये आर्ग्यू यही करते कि इंडिया का जो ट्रांजिशन है नेट जीरो इकोनॉमी की तरफ वो कहीं ना कहीं 50 मिलियन जॉब्स जो है उसको क्रिएट करेगा और मोर देन 1 ट्रिलियन इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट बाई 2030
2030 ये कंट्रीब्यूट करेगा और 15 ट्रिलियन बाय 2070। ये इन्होंने ये भी बोला है कि डीकार्बनाइजिंग स्ट्रेटजीज जो है इंडिया की वो मेजर सेक्टर्स के लिए वो ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करेंगे। फिर आते हैं मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट एंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। तो ये रिसेंटली लॉन्च किया है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर ने, तो सीव ने लॉन्च किया है। ये एनालाइज करेंगे 640 डिस्ट्रिक्ट को इंडिया में जो कि वल्नरेबल है एक्सट्रीम फ्लड्स ड्राउट और साइक्लोन्स के कारण। ये रैंक करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को ऑन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बेस्ड ऑन एक्सपोजर सेंसिटिविटी एडाप्टिव कैपेसिटी। अब की फाइंडिंग जो क्या है, मोर देन 80% जो इंडियंस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो क्लाइमेट रिस्क के वल्नरेबल है, आउट ऑफ विच एवरी 5 इंडियंस जो है वो हमारे एक्सट्रीमली वल्नरेबल एरियाज में रह रहे हैं। मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो धेमजी नागौन इन आसाम, फिर खम्मम इन तेलंगाना, गजपति इन उड़ीसा, वेजनगरम इन मुझे नाम बोलते नहीं आ रहे सॉरी आंध्र प्रदेश, संगली इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इन तमिलनाडु। ओके सो दीज आर द रिपोर्ट्स, आई हैव कंप्लीटेड द क्लाइमेट चेंज पार्ट, थैंक यू सो मच। मैं पॉल्यूशन आपको कल स्टार्ट करूँगी तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एनवायरमेंट भी आपको टाइम से ख़त्म करवा दूँगी। एंड थैंक यू सो मच, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।